नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तालिबान ने बंदूक के दम पर काबुल तो कब्जा लिया, दुनिया भर को भरोसा भी दिलाया कि जल्द ही सरकार बनेगी, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। कुछ राके पॉन साइट्स पर महिलाओं को सर्च कर रहे हैं तो कुछ अमेरिकी कबाड़ को ही पाकर खुश हैं। देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कैसे सरकार बनेगी, इन तमाम सवालों के बीच सत्ता की कुर्सी को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की आपस में भिड़ंत हो गई है। खबर है कि तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी गुट के बीच झड़प हुई, इसमें गोली चली। अफगानिस्तान की वेबसाइट पंजशीर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में अब्दुल गनी बरादर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हक्कानी गुट ने ही गोली चलाई है। पंजशीर ऑब्जर्वर ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि काबुल में बीती रात तालिबान के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर गोलीबारी हुई। बता दें कि काबुल पर कब्जे के बाद भी पंजशीर तालिबान के लिए सरदर्द बन चुका है और उसको लेकर हक्कानी और मुल्ला ब्रदर के लड़ाकों के बीच असहमति थी और इसी को लेकर झड़प हुई। कहा यह भी जा रहा है कि हक्कानी की ओर से चलाई गई गोली में मुल्ला ब्रदर कथित तौर पर घायल हो गए हैं और उनका पाकिस्तान में इलाज जारी है। हालांकि सूत्रों ने गोलीबारी की पुष्टि नहीं की, लेकिन यह आपसी कलह और सियासी रंजिश तालिबान के लिए भस्मासुर साबित होने वाली है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच जारी सियासी खींचतान के बीच अफगान की पूर्व महिला सांसद मरियम ने शनिवार को दावा किया कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। महिला सांसद ने ट्वीट कर बताया कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि मुल्ला बरदर देश का नेतृत्व करे। उधर हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं। इस संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने आईएसआईएस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद हामिद भी काबुल पहुंच चुके हैं। कमाल की बात तो है कि खुद का देश पाकिस्तान इसमें संभल नहीं रहा और दूसरे के चूल्हे में इन्हें आग लगानी है। खुद के घर टूटने को है और जनाब आतंकवादियों से सुलह कराने पहुंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि आईएसआईएस चीफ दो गुटों के बीच जारी झगड़े को सुलझाने और अफगान सरकार बनाने का रास्ता सुझाने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें भेजा है। अब देखना होगा कि तालिबान पाकिस्तान के कहने पर चलेगा या फिर तालिबान की सत्ता महज चार दिन की चांदनी है। मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।